देखी उजड़ गई बुआ और बबुआ की दुकान। जी हाँ, दोनों के रास्ते हो गए अलग। एक तरफ चले गए मायावती, दूसरी तरफ चले गए अखिलेश। और मुलायम सिंह तो घर बैठे ही हैं। जी हाँ, दोनों का गठबंधन टूट गया। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव की एक बहुत बड़ी खबर। बसपा और सपा ने अपने अपने रास्ते किए अलग। दोनों ने किया एक दूसरे को नमस्ते। जी हाँ, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद दोनों ने अब अपना गठबंधन तोड़ लिया है और यह कहा है कि अब रास्ते दोनों के अलग अलग होंगे। कुल मिलाकर गठबंधन इस हिसाब से किया गया था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए दोनों दल इकट्ठा हुए थे और यह उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अधिकांश सीटें गठबंधन को मिल जाएगी, क्योंकि सपा का जो जनाधार है और बसपा का जो जनाधार है, दोनों जनाधार मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः दोनों ही दलों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर किस्सा यह है कि बहुजन समाज पार्टी को तो 10 सीटें मिल गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन सपा को मात्र 5 सीटें मिली। और इस 5 सीटें मिलने के बाद जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई, उसमें दोनों दलों को ऐसा लगा कि इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं रहा है, इस गठबंधन को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत अधिक सीटें हासिल कर ली और दोनों दलों को ठेंगा दिखा दिया। मायावती को पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार गठबंधन उनके लिए फलदायी रहा, उन्हें 10 सीटें मिल गई, यानी उनके 10 सांसद लोकसभा में पहुंच गए। लेकिन अखिलेश के साथ तो बहुत ज़्यादा चोट हो गई, उनके तो मात्र 5 सांसद ही लोकसभा में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव हार गई और अब जो नए राजनीतिक समीकरण बने हैं उत्तर प्रदेश में, उनके अनुसार अब दोनों दल अपनी राह अलग अलग चुनेंगे। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर विपक्षी दल कभी भी एक नहीं हो पाते, उनके ईगो एक दूसरे से टकराते हैं, और अगर वे इकट्ठा होते भी हैं तो वे लंबे रिश्ते उनके नहीं चल पाते। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में विभिन्न दल शामिल हुए हैं और उनके रिश्ते लंबे समय से चल रहे हैं, शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लंबे समय से चल रहा है, कई बार उसमें दरारें आईं लेकिन गठबंधन बरकरार रहा। इसी तरह से रामविलास पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं, उनके भी कई बार मतभेद हुए लेकिन उन्होंने साथ भारतीय जनता पार्टी का नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी, इन तीनों के कभी भी गठबंधन हो नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होना था लेकिन वो शामिल नहीं हुई और इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके खाते में मात्र 1 सीट आई। कुल मिलाकर बसपा और सपा दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। जानी दुश्मन इस अर्थ में कि पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, जमकर एक दूसरे को गालियां दी, और अखिलेश सरकार जब आई थी तब मायावती सरकार के कार्यकाल की पूरी तरह से जांच की गई, उन्होंने जो बगीचे बनवाए थे, हाथियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, उन सारे मामले उठाए गए। और इसके बाद जब अखिलेश सरकार चली गई और अखिलेश जब सड़क पर आ गए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में मायावती से तालमेल किया, लेकिन इस तालमेल में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अब जबकि लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा है दोनों दलों को, तो दोनों दलों ने अपनी अपनी राहें फिर अलग कर ली है, यानी विपक्ष के पास गठबंधन का कोई मौका नहीं है और कुल मिलाकर इनकी कोई इच्छा भी नहीं है कि हम एक साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ हमेशा से मिलता आया है, इस बार भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।